हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो एक हर ब्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली राइडर्स के लिए, स्पेशली ब्लॉगिंग जो करते हैं, बाहर जाते रहते हैं अक्सर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कई मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मेरी वॉइस थोड़ा सा हमेशा कम रहती थी, पीछे का नॉइज़ बहुत आता था, ठीक है, इन सब चीज़ों का बड़ा इशू रहता था। तो मैं जब भी अपनी कभी वीडियो एडिटिंग करता था तो मैं उसमें थोड़ा सा एडिटिंग में अपने उस वॉइस वीडियो की वॉइस को थोड़ा सा उसकी पिच बढ़ा दिया करता था। तो इस तरह से मेरी ना थोड़ा सा वॉइस में डिस्टॉर्शन आ जाता था, वॉइस फटी फटी सी लगती थी, बहुत सारी चीज़ थी। तो फाइनली मैंने आज अपने लिए एक वायरलेस माइक ले लिया है। ये मुझे कितने का पड़ा अभी बताता हूँ आपको, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए आज उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं आपके सामने और दिखाता हूँ पूरी स्पेसिफिकेशन और पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैसी वॉइस आ रही है, कितनी नॉइज़ को ये कैंसिल कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, पूरी डिटेल बताऊँगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ये है उसकी पैकेजिंग, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी। उसका लिंक मैं आपको, अगर आपको माइक अच्छा लगेगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर सीधा डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। अब ये है वो ग्रैनो का माइक। ये इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, जरा मैं इसे साइड कर देता हूँ, मैं इसको भी मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। सबसे अच्छी बात मैं आपको इसके अंदर मैं बताऊँगा क्या है। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूँ। ये है वो माइक प्लस ट्रांसमीटर, दो ट्रांसमीटर और ये बॉक्स में और क्या क्या। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखते क्या निकलता है। एक दो कनेक्टर निकल रहे हैं, ये दो कनेक्टर निकले हैं, बताता हूँ इसका क्या काम है। और ये एक वायर है टाइप सी, इवन तीन कनेक्टर्स हैं। अच्छा, तीन कनेक्टर क्योंकि तीन ट्रांसमीटर हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ, जैसे आपके पास टाइप सी फ़ोन नहीं है और आपके पास 3.5 mm जैक का माइक है, तो आप ये दो टाइप सी कनेक्टर अपने फ़ोन में लगाइए और 3.5 mm जैक का लगाइए, ठीक है। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे ना, 3.5 mm जैक का ये है स्विच है, तो इसमें लगाइए अपना, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो कनेक्टर आपको दे रखे हैं। अच्छा, ये कनेक्टर दे रखा है आईफोन यूज़र्स के लिए, जिनके पास आईफोन नहीं है वो आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। आईफोन में लगाइए और इसका जो रिसीवर है वो रिसीवर यहाँ लग जाएगा, वो टाइप सी रिसीवर होता है, वो रिसीवर लग जाएगा। तो दो चीज़ ये मुझे मिली, ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है इसके साथ। ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई नहीं पढ़ता है डॉक्यूमेंटेशन में ना, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे पेयर होता है, ये वो चीज़ है। और इसके साथ एक मुझे वारंटी कार्ड मिला, एक वारंटी कार्ड है, ये आपको बताता है थोड़ा सा कितनी वारंटी है, कुछ स्पेसिफिकेशन पूरी दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं ज़रा इन सबको साइड करता हूँ और मैं खोलता हूँ अपना ये। अच्छा, ये है मेन वो ट्रांस, मतलब आपका वायरलेस माइक। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लगी। देखिए, इसमें दो तो आपको ट्रांसमीटर मिल रहे हैं, दो आपको ट्रांसमीटर मिल रहे हैं, एक आपका रिसीवर मिल रहा है टाइप सी, और ये आपका उसका चार्जिंग केस है। आपको अलग से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको चार्ज करना है, आप इसमें रखिए, बंद करिए, जैसे आपके ब्लूटूथ फोन ईयरफोन्स होते हैं ना, आप उसको सुनने के बाद अपने चार्जिंग बॉक्स में रख देते हैं, वो चार्ज हो जाता है, सेम ये चीज़ है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास ये कहीं गुम जाता है, कहीं खो जाता है, इसके नीचे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, टाइप सी कनेक्टर दे रखा है, ये चार्जिंग के लिए है। आप यहाँ लगाएंगे, ये साथ में एक LED लाइट है, ये इंडिकेट करेगी कि चार्ज हो रहा है और फुल चार्ज हो चुका है, ये पूरा इंडिकेट करेगी। और अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली चार्जिंग के स्लॉट्स दिए हैं, दो ट्रांसमीटर रखने के लिए, रिसीवर रखने के लिए। अच्छा, मैं कह रहा था जैसे मान लीजिए खो जाता है आपसे ना, ये खो जाता है, तो सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, आप इनको सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हैं। सेपरेटली भी चार्ज कैसे करेंगे, आप देखिए टाइप सी कनेक्टर इसमें भी दे रखा है और एक टाइप सी कनेक्टर इसमें भी दे रखा है और एक टाइप सी कनेक्टर इसमें भी दे रखा है, तो आप तीनों को सेपरेटली चार्ज कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में जितने पैसे में मैंने इसको ख़रीदा है कि कोई मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा होगा। और ये माइक भी बहुत अच्छा है, अभी इसकी आपको वॉइस भी सुना के बताऊँगा कैसी आती है कैसे नहीं आती है। तो ये तीन चीज़ें बनती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं जब पहले चला करता था तो पहले अपने मोबाइल में ये मैं इसका डिजिटेक का ये एक वायर्ड माइक था, मैं ये यूज़ किया करता था। मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ कैसा है पूरा हिसाब किताब। देखिए ये माइक है, लेंथ अच्छी है इसके अंदर, कुछ एक 3.5 mm जैक का एक एक्स्ट्रा कनेक्टर दे रखा है
और मैं आपको इसकी भी वॉइस सुनाऊंगा, इसको भी लगा के सुनाऊंगा, और मैं आपको इसको भी लगा के सुनाऊंगा, मैं आपकी दोनों की वॉइस सुनाऊंगा, दोनों से कैसी वॉइस आ रही है आप खुद जज कीजिएगा कौन सा बेस्ट माइक है। ठीक है, ये नॉर्मल माइक है, वायर माइक है, आप इसको जैसे देखा होगा कई बार ये नॉर्मल होता है यहाँ लग जाता है, कहीं भी टी शर्ट या शर्ट पहनने के वहाँ फंसा लीजिए। और इसमें 3.5 mm जैक का स्विच दे रखा है, ये एक छोटा सा वेलक्रो लगी हुई है, इस वेलक्रो को खोलेंगे तो अच्छी खासी लेंथ है इसमें, आप मतलब ठीक ठाक लेंथ मिल जाती है। बट मैंने सही बताऊँ तो मैंने इसे कई वीडियो शूट किए हैं बट मुझे वो वॉइस नहीं मिल पाई जो मुझे चाहिए थी। नॉइज़ भी कैंसिलेशन बहुत बकवास है इसके अंदर। मगर आप अगर स्टिल खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका फिर भी लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका इतना बड़ा वो सब चीज़ नहीं है या आप घर में ही शूट करते हैं या आपका कुछ ऐसा काम है जिसे सिर्फ घर में ही बनाना होता है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर ब्लॉगिंग करने के लिए जहाँ नॉइज़ बहुत होता है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे मैंने बताया था इसके साथ एक कनेक्टर मिलता है आपको टाइप सी टू 3.5 mm जैक, और ये देखिए 3.5 mm जैक का माइक है जो वायर्ड माइक है मेरा। अब इसको मैं इसमें लगाऊंगा और ये मेरा टाइप सी फ़ोन हो गया, तो ये पूरा सेटअप बन गया। अगर आपके पास ये भी माइक, अगर आपके पास 3.5 mm जैक नहीं है और ये वाला माइक है तो भी कोई इशू नहीं है, ये इसके साथ मिलेगा, आपको इसके में अंदर लगाना है और ये अपने फ़ोन में लगाना है। तो चलिए अब आपको मैं वॉइस सुनाता हूँ इससे कैसे वॉइस आ रही है। तो देखिए जैसे कि मैंने ये वायर्ड माइक लगा लिया अपने फ़ोन में, अब इससे जो भी मेरी आपको वॉइस सुनाई दे रही है वो इसी माइक से सुनाई दे रही है। आप इसे चाहे हाथ में पकड़ लीजिए, चाहे आप इसको ऐसा करके टी शर्ट पर लगा लीजिए, आप जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आपको जो कहना है, जो रिव्यू देना है किसी भी चीज़ का, माइक बात करनी है, कुछ करना है, घूमना फिरना है, वो सारी वॉइस आपको इसी माइक से आएगी। अब आप खुद जज कीजिएगा कि कंपैरिजन खुद कीजिएगा कि इसकी वॉइस ज़्यादा अच्छी है या अभी मैं जब ये लगाऊंगा या इसकी वॉइस ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए अब मैं इसको लगा के टेस्ट करता हूँ कि इसकी वॉइस कैसी है। तो अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो मेरे इस वायरलेस माइक से आ रही है, आप खुद जज कीजिएगा एक कैसी वॉइस है ना, उसमें जो वायर्ड वाला माइक था और इसमें कितना फर्क है, कितना आसमान जमीन आसमान का फर्क है, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कितनी अच्छी इसकी क्लैरिटी है। अच्छा इसमें एक फीचर है, इसमें ये बटन देख रहे हैं, अगर आप इसको एक बार दबाएंगे तो इसका नॉइज लेवल का कैंसिलेशन का एक लेवल बढ़ जाएगा, इसको दो बार दबाएंगे तो वही नॉइज कैंसिलेशन का सेकंड लेवल बढ़ जाएगा, इसके अगर तीन बार दबाएंगे जैसे आप दबाएंगे तो एलईडी लाइट भी जल जाता है, तो जैसे आप तीसरी बार दबाएंगे तो उसका नॉइज लेवल का थर्ड लेवल आ जाएगा। हर लेवल पे इसकी नॉइज कैंसिलेशन ऑसम है, ऑसम मतलब मैं आपको जब ये वीडियो बनाऊंगा ना इसकी नॉइज कैंसिलेशन वाली, जब बाहर जाके जब दिखाऊंगा मार्केट घूमूंगा इसको राइडिंग में यूज करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कितनी बढ़िया तरीके से नॉइज कैंसिल करता है और कितनी बढ़िया वॉइस देता है। अभी तो बंद कमरे में है तो अभी आपको कोई कैंसिलेशन कुछ नॉइज में कुछ सुनाई नहीं देगा, बहुत अच्छी वॉइस भी आएगी। और इवन अभी मैंने इसको तीन बार प्रेस किया, आपने कुछ खुद एक डिफरेंस भी देख लिया हो, मेरी वॉइस में डिफरेंस आ गया होगा। अब जो थोड़ा बहुत एक कमरे में इको रहता है वो इको भी कम हो गया होगा, तो आप इससे जज कर सकते हैं कि ये माइक कितना अच्छा है। अगर आपको इनिशियल से स्टार्ट करना है तो आप इस माइक के साथ जा सकते हैं बहुत इजीली, आपको बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करेंगे। आप इस कैमरे को आगे हेलमेट के आगे माउंट कीजिए, इसका रिसीवर लगाइए और ये ट्रांसमीटर अपने हेलमेट में प्लेस कर दीजिए, नहीं तो आप टी शर्ट जो पहन रखा है उस पर लगाइए, बहुत बढ़िया साउंड आएगी, बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से इस माइक में बिग थम्स अप। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को आप एंड करता हूँ और आई होप मुझे आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव के साथ, जिन जो व्लॉगर्स हैं जिनको ऐसे माइक की ज़रूरत थी, जिनको कोई माइक नहीं मिल रहा था, जिनके वीडियो में बहुत नॉइज़ आती थी, डिस्टर्बेंस आती थी, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, सो दैट मैं कभी भी इन फ्यूचर या इसी की मैं जब नॉइज कैंसिलेशन की वीडियो डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा, राइड सेफ राइड हैप्पीली।